हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैंने द बॉयज़ का एपिसोड 8 देखा, सीजन 3 का, और मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं इस सीरीज़ का टोटल फ़ैन बन गया हूँ। इट इज़ ब्रिलियंट। जो ये कहानी है दोस्तों सूप्स वर्सेस ह्यूमंस की, यानी बुचर और उसकी टीम की, साथ में उसकी एक्सटेंडेड टीम की, अब तो खैर सूप वर्सेज सूप तक यहाँ तक बात आ गई है, बहुत बढ़िया तरीके से करा गया है यहाँ पर। और वो ये बढ़िया इसीलिए है क्योंकि जो नया एडिशन हुआ स्टोरी के अंदर सुपर बॉय का, एक तो वो इंसान की आवाज़ और वो हैंडसम भी है और वो ग्रे शेड का कैरेक्टर भी है, जो वो डिलेमा लेके आया और जो उसने एक दूसरे के जो रिलेशन एक तरीके से जो एक्सप्लोर करे हैं इस पर्टिकुलर सीज़न ने, वो बहुत बढ़िया है। एक एक कैरेक्टर के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया। अगर आप पूरी सीरीज़ का एक निष्कर्ष निकालो तो ए ट्रेन की कहानी और उसके ब्रदर की कहानी, होमलैंडर और उसकी टीम, स्पेसिफिकली नॉयर डीप ले लीजिए या फिर मेव ले लीजिए, कैसे वो उनको ट्रीट करता है उसकी कहानी, होमलैंडर एंड हिज सन जो कि बुचर का भी मुंह बोला बेटा है किस्म का, और फिर सोल्जर बॉय की जो कहानी, ये तीनों इंटरट्वाइंड कैसे हैं, फिर हुई और स्टारलाइट की जो इक्वेशन है कि किस तरीके से हुई उसका प्रोटेक्टर बनना चाहता है ये कहानी, फ्रेंची और कमीको की कहानी, मदर मिल्क और उसकी डॉटर की कहानी, इतनी सारी कहानियां जो हैं आपको पिरो के यहाँ पर दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर भरपूर आपको एक्शन मिलता है, वो भी ब्लडी वाला, निचोड़ने वाला, फटने वाला। स्टोरी एकदम सीमलेस चलती है फ्रॉम सीज़न 1 to सीज़न 3, ऐसा लगता ही नहीं कि अलग अलग सीजन है, एकदम सीमलेस तरीके से चलती है। बहुत इमोशंस भी हैं इसके अंदर, ग्रे शेड्स भी हैं और बहुत मज़ा आता है। तो और सीज़न का जो एंड भी हुआ है एकदम क्लासिकल तरीके से हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। और मैंने आपको अपने एंडिंग वाले थ्योरी के अंदर बोला भी था कि शायद इनमें से कोई एक कैरेक्टर होमलैंडर या फिर सोल्जर बॉय का थैंक यू होना बनता है ताकि कोई नेक्स्ट विलन के ऊपर हम फोकस कर पाएँ। तो यहाँ पर आप वीडियो या तो एंड कर सकते हो क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पॉइलर देने वाला हूँ यहाँ पर एज अ फैन, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो मोर देन वेलकम एंड वी कैन टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। देखो एंडिंग में बहुत क्रिटिकल चीज़ क्या हुई कि सोल्जर जो बॉय है वो होमलैंडर में से कोई एक जने को मरेगा तभी वो आगे स्टोरी जाएगी। तो इन अ वे सोल्जर बॉय जब लास्ट में फटता है तो उसको उसमें दोबारा से फ्रीज कर दिया जाता है और होमलैंडर अभी फ्री है, और होमलैंडर फ्री में इतना ज़्यादा फ्री वो हो गया जब वो अपने बच्चे को एंड में इंट्रोड्यूस करता है पब्लिक को, और बच्चे को कोई चप्पल से मार देता है तो वो उसको वहाँ पर फोड़ देता है, मतलब उसका लेज़र से उसको फोड़ देता है। तो नाउ जो एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ होमलैंडर इन पब्लिक इज मच हायर, जो वो सोच रहा था मैं एक आधे को मार दूंगा तो पता नहीं मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, वो अब ही सेट फ्री। और एक स्माइल सी नज़र आती है रायन के कनिंग सी ऐसे करके, जिसमें ऐसा लगता है कि ये इसने होमलैंडर जो मेरा बाप है इसने किसी को मार दिया, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर भी ऐसी चुलबाज है, मेरे अंदर भी ऐसी क्रुएलिटी है, मैं बाहर निकालूँ, ऐसी एक स्माइल आती है। बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आप देखो जब सोल्जर बॉय लड़ रहा होता है होमलैंडर से तो रायन और बुचर और होमलैंडर तीन बचे हुए होते हैं, उधर मेव और साथ में जो द सोल्जर बॉय है वो फटते हुए नीचे बिल्डिंग के गिर रहे होते हैं। तो रायन के एक्सप्रेशन होते हैं बुचर से इमोशनल, उसके आईज के अंदर कुछ दिखता है, बट लेकिन वो होमलैंडर के साथ चला जाता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, क्या वो होमलैंडर के लिए इसलिए चला जाता है ताकि होमलैंडर बुचर को ना मारे, या फिर उसके अंदर जो कनिंगनेस है जो एंड के सीन के अंदर भी दिखती है वो ट्रू है और वो होमलैंडर की तरह ही अब बिहेव करेगा। तो अब दो होमलैंडर हो गए निपटने के लिए, और तीसरा जो है उसको सलाह दिया गया है जो कि है सोल्जर बॉय। तो सीज़न 4 भी आएगा ही आएगा, उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं, जो लोगों को सुला दिया गया शायद वो जागेंगे भी, और विक्टोरिया जो लोगों के सर ऐसे करके फोड़ देती है वो भी, अब पॉलिटिक्स भी है उसके पास और वो सूप भी है, एक सुपर विलन ही है सोटू से, उसको अब इसको पकड़ना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, तो मेरे को काफ़ी मज़ेदार लगी है सीरीज। मैं इसको दूंगा 10 out of 10, आई डोंट वॉन्ट टू डिडक्ट एनी मार्क्स यार, सुपर है, ब्रिलियंट है मेरे समझ के हिसाब से। आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना।